पिछले क्लास में हमने अक्षरमाला लिखना और पढ़ना सीख लिया था। आज कुछ हम एक्टिविटीज़ यानी कि वर्कशीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि जोड़कर लिखना, चित्र पहचान कर उसके नाम लिखना, ठीक है। आज हम चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, चित्र पहचान कर नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चित्र है, देखिए, यहाँ पे इन इंग्लिश वी कॉल मैंगो, इन हिंदी व्हाट वी कॉल आम। हिंदी में हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला एप्पल, एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब, एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब। तीसरा वाला जो है अंगूर, इन इंग्लिश ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तरबूज। यहाँ है छाता, इन इंग्लिश वी कॉल अम्ब्रेला। यहाँ है बतख यानी कि डक, डक को हम बतख कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए मोर, मोर पिकॉक, मोर पिकॉक। यह है अनानास, यह है अनानास, पाइनएप्पल, ठीक है। यहाँ है पेन, कलम। यहाँ है किताब, किताब यानी कि बुक। ये हो गया एक एक्टिविटी। अभी मैं जो यहाँ पे लिखी हूँ, यहाँ चित्र आपको बनाना है और इसका इसके सामने इसके शब्द को लिखना है। जस्ट लाइक एंड राइट हियर वन एग्जांपल, आम, इन इंग्लिश एम ए एम जी ओ, मैंगो। यू शुड राइट लाइक दिस, ठीक है। दूसरा वाला जो है सेब, सेब जो है वो है ए डबल पी एल ई, एप्पल। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी दूसरे पे चलते हैं, जैसे कि चलो बच्चों, ये हो गया। अभी अब हम सीखेंगे दो अक्षरों वाले शब्द। दो अक्षरों वाले शब्द तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, यानी कि दो अक्षर में जैसे कि आम, सेब, गला, ऐसे वाले दो अक्षरों शब्द, दो अक्षरों वाले शब्द मैं यहाँ पर लिखूँगी थोड़े बहुत। अभी आपको क्या करना है, इन द होम यू शुड राइट 10 वर्ड्स इन योर क्लास वर्क, ठीक है। 10 वर्ड्स अपने क्लास वर्क में लिखना है। यहाँ देखिए, दो अक्षर वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्द। पहला वाला जो है सच, डर, मन, कर। ऐसे आपको खुद को आपको 10 ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। ये रहा दो अक्षरों वाले शब्द। अभी जो है तीन अक्षरों वाले शब्द, यहाँ पे लिखती हूँ तीन अक्षरों वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द, ठीक है। गगन, पवन, बथक, नरक। पांचवा वाला जो है आकाश। छठा वाला जो है वो है एना। ये हो गए तीन अक्षर वाले शब्द। ये तीन अक्षरों वाले शब्द भी आपको 10 लिखने हैं, वो भी अपने क्लास बॉक्स में।
ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, ठीक है। ये दो अक्षर वाले शब्द 10 और तीन अक्षर वाले शब्द 10। अभी क्या है दूसरा वाला, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों को गोल करना है। चलिए, एक जैसे जैसे अक्षरों एक जैसे अक्षरों को गोल यहाँ पे एक जैसे दिखने वाले अक्षर कौन से हैं यहाँ पे? ओ, ठीक है। इसमें से जो कॉमन है वो आपको दिखने हैं, ठीक है। ओ, उसके बाद कहाँ है? ओ, उसके बाद यहाँ पे ओ, ओ ओहो, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा? ब, 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 एक ही है नहीं दो, ब दो हो गए दो, ठीक है। उसके बाद क, 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 एक दो तीन चार, यहाँ हो गए चार, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखे अ, ब, र, र कितने हैं? एक, दो, तीन, र कितने हुए? र तीन, ठीक है। अभी च, च कितने हैं? च एक है, दो, च, म एक, ट एक। यदि एक है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका अभ्यास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। धन्यवाद।